ये मेरा छोटा बचपन की जगह है जहाँ पे यार मैं आता था साइकिल में, क्लासेस बंक करके आता था मैं। गुड मॉर्निंग आर्टियंस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो आर्टियंस। आई होप नहीं, आप सब मस्त और मस्त रहने भी चाहिए आर्टियंस, क्योंकि यू डिजर्व हैप्पीनेस। ओके स्माइल, क्योंकि जब तुम स्माइल करते हो अच्छे लगते हो। चलो आर्टियंस, नया दिन है, नई शुरुआत करते हैं और अच्छे से करते हैं, वो भी साथ में। लेट्स। तो पहले आपकी आरोपी की काढ़ा बहुत ज्यादा टेस्टी है। 2, 3 और मुझे आर्टियंस रुको, ये भी खाओ, रिच इन प्रोटीन यार। आर्टियंस आज हम साथ में कॉलेज नहीं, उससे पहले हम जाने वाले चौरास कैंपस, जो कि शायद मैंने आपको कभी घुमाने नहीं ले गया हूँ। आज चलो, आज आप घूमने चल रहे हो मेरे साथ, वहीं हम होम चैंटिंग वगैरह करेंगे। एंड यस, डब्बू भैया का आज वीडियोस वगैरह बनाना है, तो हम इसलिए जा रहे हैं। ऑल इज वेल, योर लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल, चीटिंग पर जाके बोल। ऑल इज वेल, आजकल सितंबर से लाइफ बहुत डिफरेंट होने वाली है मेरी, पर ठीक है, लाइफ में कुछ करना है तो निकलना पड़ता है बाहर, ठीक है, याद रखना है बात। जब निकल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम मजे कर रहे हो, मेहनत करनी है। यू आर द बेस्ट, यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट। ओके चलो, पर मैं आपको मिलता हूँ इन सबके बाद। एक और चीज़ आपसे क्लियर करना, आपसे एक और चीज़ बोलनी है। देखो आर्टियंस, कभी तुम किसी चीज़ से सैड हो ना, तो बस एक दिन उसके बारे में सोचो, उसको दो, ठीक है, क्योंकि हम ओवरथिंकिंग करते हैं, करो, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उस चीज़ को हटा दो अपने दिमाग से, क्योंकि उस चीज़ को अपने करियर पे हावी मत होने देना, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, ये बात याद रखना, काम आएगी। चलो आज हमें अपना सब बेस्ट करना है। ओके पहले आपको कहा था ना, मैं आपको कुछ अच्छा अच्छा दिखाऊंगा, इसलिए मैं आज आपको अपने साथ चौराहे घुमाने जा रहा हूँ। विश्वविद्यालय में आकर डबू की प्रैक्टिस चल रही है। फ्रेंड्स, मैं आज सेम पहनने वाला हूँ ये, और उसके अंदर से मैं ग्रीन टी शर्ट पहन रहा हूँ। बताऊँ क्यों आर्टियंस, कल मैं इतने अच्छे से बन के तो गया था, लेकिन ऐसा होता है ना, जब तुम्हारा दिमाग और कुछ काम नहीं कर रहा होता है तो तुम कुछ नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने कल कुछ नहीं बनाया था। लेकिन क्या हुआ, आज मैं वो चीज़ करूँगा जो मैं करना चाहता था, नहीं कर पाया वो मैं आज करूँगा, कोई नहीं, तो इसलिए मैंने दोबारा से पहन लिया। चलो मैं फटाफट रेडी होता हूँ, लेट्स गो। Audience, I am ready to go. चलो मैं आज आपको चौरास घुमाऊंगा, आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है प्लेस, एंड यू गोना लव इट, लेट्स गो। कभी आप श्रीनगर आओ तो वहाँ पक्का घूमने जाना चौरास, ठीक है, लेट्स गो। आज हम डब्बू है कि पिचकू में जाएंगे, yeah. लेट्स गो। आडू पांडू यहाँ से सब कुछ आपको अच्छा ही अच्छा दिखने वाला है। आज हम करने वाले हैं ऑफ रोडिंग, ये देखो, और चट्टान गिरी चट्टान। ऑफ रोडिंग भी करेंगे आज हम, ओके आज, पर अपनी सेनो में नहीं डब्बू है कि खटा ली। शानदार हवा खाने आ सकते हो आर्टियंस, गजब तड़प है यहाँ पे। आर्टियंस, मैंने एक पौधा लगाया था, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ओ यहाँ कितनी झाड़ियाँ हो गई, हमारा पौधा कहाँ है? तो आर्टियंस वाओ, ये कितनी प्यारी प्लेस है। आर्टियंस मैंने यहाँ पे एक पौधा लगाया था, उधर वो रहा हो, देखो वो मैंने लगाया था पौधा आर्टियंस। वाओ आर्टियंस, मैं आपको बगीचे में घुमाता हूँ, कितना सुंदर बगीचा है यहाँ पे, ये देखो कितने सुंदर पेड़ है, वाओ। पर ये जितना वाओ है इसमें ना कांटे चुभ रहे हैं, भागो। आर्टियंस अभी थोड़ा डब गया कि वीडियोस बनाने में थोड़ा सा बेचारे भैया, ये ना थोड़ा, ये ना घर में बहुत अच्छे से बोलता है, देखो
नहीं तेरी शिकायत बोलूंगा मैं अर्जुन से। देखो क्या होता है ना, ये ना बहुत ही शर्मीलू है थोड़ा सा, लेकिन अर्जुन क्या बोलते हैं ना, देखो शर्माओ गलत चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में नहीं। ही इज़ डूइंग ग्रेट वर्क एंड मैं जल्दी आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ करने वाला है, आपको भी अच्छा लगेगा एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, लाइक मम्मी को भी काफ़ी अच्छा लगेगा इन चीज़ों में। तो ठीक है, अभी वो दोबारा प्रैक्टिस कर चुका है, चलो मैं उसका टेक लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो आर्थियंस, वो थोड़ा अपनी मम्मी को टिफिन देने जा रखी है और डब्बू ने थोड़ा फ्रेंड के यहाँ पे जा रखा है, तो मैंने सोचा मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ। आपको क्या आर्थियंस, ये चौरासा मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अब देखो कैसे, जब मैं छोटा था ना, छोटा, तो मैं ना साइकिल में आता था, यहाँ पे नहीं आता था प्रैक्टिस करने, ये ऐसे ही आगे को है, मैं वहाँ पे अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ओम चैंटिंग करनी है। मैंने कहा आपको बताता हूँ, तो जब मैं छोटा था ना, मैं साइकिल में यहाँ पे आता था और अपनी प्रैक्टिस करता था यहाँ पे, मतलब ऐसी है आगे कैंपस, ऐसी प्रैक्टिस करता था। अब देखो मतलब क्या प्रैक्टिस करता था, देखो अभी मस्त उछलना कूदना, मतलब मुझे ना बहुत स्टंट्स वगैरह होते हैं ना, उसका बहुत शौक है। चलो आर्टिन साथ में ओम चैंटिंग करते हैं फटाक से। 10 बजे कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, कभी भी करो। प्रभु मुझे एक अच्छा इंसान बनाने में कामयाब करना। और बताओ आर्टिन, आप अभी क्या कर रहे हो, मुझे कमेंट्स बताओ। आपको मेरे ब्लॉग अच्छे तो लग रहे हैं ना। चलो मैं आपको थोड़ा देर में मिलता हूँ। आर्थियंस मुझे ना आपसे एक और चीज़ बोलनी है, कोई भी टाइम कोई भी काम हो वो टफ नहीं होता है, पता है आर्थियंस, वो सिर्फ हमारे माइंड की चीज़ें होती है। लाइक हमने अगर अपने माइंड में जिस दिन बना लिया ना मैं नहीं कर पाऊँगा, तो लगा लो शर्त, चाहे कुछ हो जाए आप सच में कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अपने 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 दिमाग को बोल दिया ना, अपने दिल को बोल दिया कि तू कर सकती है, तो आप लाइक जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देखना, एक ना एक दिन ना वो ज़रूर होगा जो आपने दिमाग से सोच लिया ना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, करो कर सकता हूँ, वो पक्का होगा, देख लेना, डन है। और ना मेरी माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे ना स्टॉप इसलिए कर देती हैं आर्थियंस, क्योंकि मैंने अपने माइंड में चढ़ा दी हैं वो चीज़ें मैं नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सब कर सकता हूँ, जो मेरा मन है, जो मैं चाहता था, जो मेरे ड्रीम्स हैं, वो मैं कर सकता हूँ आर्थियंस, ऑफकोर्स। और मैंने अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया ना कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। आप मेरे साथ हमेशा हो, आपको अच्छा लगेगा, देखना। बाकी तो सब सेट है, ये कुछ प्यारी सी प्लेस है देखो, जो मैं आपको बोल रहा था मैं आपको घुमाने लाऊंगा, एंड लाया मैं, ये मेरा छोटा बचपन की जगह है जहाँ पे यार मैं आता था साइकिल में, क्लासेस बंक करके आता था मैं, यहाँ वहाँ ट्यूशन क्लासेस चल रही होती थी और मैं यहाँ आया रहता था डांस करने। ये I'm the best and you are also the best। आर्थियंस दोबारा आ चुका है, ये लफंगा इसकी बनाता हूँ मैं, रुको। सो आर्थियंस फाइनली हमारा वीडियो बन गया है और ये आरती हमारे लिए ला रखी है मैक्रोनी खाने के लिए। चलो आर्थियंस अभी हम घर चलते हैं, कभी मम्मी के साथ आऊँगा तो मैं आपको अभी पूरे ढंग से घुमाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को ना घर जाना है, मम्मी ने नाश्ता बनाया हुआ मेरे लिए, वो खाना है, उसके बाद कॉलेज जाऊँगा तो मैं आपको पक्का बताऊँगा। ये अच्छा था आज डब्बू, यार हमने आपको बोला था ना हम ऑफ रोडिंग कराएंगे, तो डब्बू भैया जानबूझ के शॉर्ट रास्ता लेके आया, हम आपको ऑफ रोडिंग कराएंगे। हालांकि आप इसको बोलो हेलमेट पहने, हेलमेट ही पहनता है, हीरो वर्दी दिखाता है। ये प्लेस भी कुछ गजब है यार, देखो रास्ता है नीचे का, आज इधर चलते हैं। नमस्ते, क्या होगा, क्या होगा, ये पहुंच गए हम अच्छी रोड पे। चलो आर्टिन से क्या रोड देखोगे, मैं आपको सीधे घर मिलता हूँ, चलो भाई। हाँ सो आर्टिन सुबह से अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, फटाफट मैं नाश्ता करूंगा, अब वो दिन का आज बहुत हैक्टिक डे हो गया, फिर मैं आपको मिलता हूँ यार खा के, फिर है ना। यार देखो ना 1 बज गया, मुझे भी ब्लॉग भी एडिट करना है, थोड़ा सोना है यार, मेरे को बहुत थक लग गई आर्थियंस आज। आज मैंने आपको कहा था ना मैं आपको पक्का वो चीज़ में घुमाऊंगा, तो इसलिए मैं ले गया था आपको, कैसे लगा मुझे बताना।
सो आर्टियन दिस इज माई डिनर, मतलब डिनर में नाश्ता कर रहा हूँ सुबह को। हेलो आर्टियंस, थक रखा हूँ मैं आज बहुत ज़्यादा, बट मुझे अभी एडिटिंग करनी है क्योंकि चाहे जो मुझे सब आप शेयर करना है एंड मुझे कैसे भी करके अपने 30 डेज चैलेंज कंप्लीट करना है, मैं गिव अप नहीं करने वाला। चलो आर्टियंस फिर मैं आपको मिलता हूँ बाद में, अभी मैं फटाफट इसको फिनिश करता हूँ, उसके बाद शायद मैं एडिटिंग में बैठूंगा। तीन तो बजने वाले हैं, चलो मिलता हूँ, लव यू ऑल। ओके आर्टियंस, मेरी चाय का टाइम है, मैंने व्लॉग एडिट कर दिया है, डन। आरती बेटा चलो मेरे साथ। आर्टियंस चलो मम्मी के साथ, मैं आज नीचे घूमने जा रहा हूँ, मैं कब से अपनी मम्मी के साथ घूमने भी नहीं गया हूँ। सितंबर से पता नहीं कैसा रहेगा, आपको पता सितंबर में कहीं जाने वाला हूँ। ओके जो भी होगा आर्टियंस वी विल डू बेस्ट। फ्रेंड्स नीचे आरती भी हो रहा है, वाओ। ये पूछ रहे कौन सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल। मैं कहा भाई मैं तुम्हारा भाई फॉरएवर। मैं थोड़ा बैठ के गाने वाले सुनता हूँ, इसके आगे के नज़ारे के मज़े लेता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। ओके आज मज़ गया मेरा दिन क्योंकि मैंने अपना दिन अच्छा जाने दिया, इसलिए किया। ठीक है कालू, भाई कालू तेरे को पता है यहाँ सब कपल कोई कोई ग्रुप में आ रखा है, कोई दोस्त आ रखा है, पर मेरे साथ तो तू ही है। मुझे एक कुरकुरा खाना है, 10 रुपये चाहिए मेरे को, यहाँ पे QR जीपे नहीं हो रहा है। अरे अंकल भुग जाएंगे यार बेचारे भैया, देना। ओ मॉडर्न मम्मी, थैंक यू। 10 रुपये का ना? हाँ हाँ बस 10 ही करूँगा, देख रहे मम्मी कितनी कंजूस है। टकाटक दे दो। मैंने टकाटक लिया या ये सब आगे खाने, एक टकाटक में सब आगे खाने। कितना पेटू है, इसने मेरा पूरा एक पैकेट खा दिया। मेट समवन, से हाय टू माय व्लॉग। अच्छा शर्मा रहे हैं, हाँ लग रहा है। अच्छा ये भी हमारे कॉलेज से हैं तो उन्होंने कहा ये हमारे व्लॉग देखते हैं, इनको अच्छा लगता है, तो मेरे को भी अच्छा लगा। वाओ हमारा यूट्यूबर नाउ ई वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बच्चा। तीन दिल से रिक्वेस्ट है यार, अगर आप श्रीनगर से हैं और आप इन्हें फीड करने आ सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा, बड़े प्यारे प्यारे। मैं भी आया करूँगा इनको, मैं आता हूँ वैसे सही बताऊँ तो, आप भी आना। मेरा कालू है, इसको भी खूब सारा अंडा वंडा खिलाना। हम घर जा रहे हैं यार, आज मेरा मोमो खाने का मन कर रहा है। मम्मी मेरा मोमो खाने का मन कर रहा है। चलो आर्टियंस मैं इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, रात तो हो गई है। तो आर्टियंस इफ यू आर लाइकिंग माय व्लॉग डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड यस डू व्हाट यू लव। कालू मेरा बच्चा, अभी सुनो प्लीज आर्टियंस, अभी जब भी यहाँ घाट साइड आओ इनको पक्का फीड करना है आर्टियंस, प्लीज लव यू लव यू। दूध की थैली लेके आना, कटोरा मैं यहीं पे रख दूंगा, इस मंदिर मतलब यहाँ पे जो मंदिर है यहाँ पे रख दूंगा, तो आप इनको फीड करना प्लीज आर्टियंस, जरूर लेके आना। जब भी आप मेरे से मिलना होगे ना, मेरे लिए कुछ मत लाना कभी, इनके लिए लाना, मैं खुश हूँ इस बात पे। ठीक है लव यू। मेरा दोस्त कालू, सबको ऐसे मत करा कर कालू, कालू ना सबको काटने को रहा है। कालू बाय बाय, चल तू आगे चलना जरा, मैं उसको प्यार कर दूं। ये मैं शोनू है ना, ना बच्चा मैं शोनू, मैं शुकू। कितना छोटा है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बच्चा। हाय कर दो, हाय हाय। ये मम्मी तू अपने पैसे कैसे भूल गई है, 40 रुपए ये ले इधर देख। मैं तभी बोलूं कैसे भूल गए मम्मी रे।